हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को इंडियन नेवी की तरफ से जो एक न्यू भर्ती नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए इंडियन नेवी रिलीज़ किया है, उसके अंदर टोटल कितना वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट में वैकेंसी को निकाला गया है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले गाइस, अगर अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसे जॉब रिलेटेड कॉन्टेंट हमेशा एंड सबसे पहले एंड ऑथेंटिक न्यूज़ की अपडेट इस चैनल के थ्रू आपके पास पहुंचाता हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया है तो उधर जाके चेक कर लो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक उधर दे रखा है, आप उधर से डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं हर किसी का अपडेट सबसे पहले देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के जॉइन इंडियन नेवी की तरफ से जो न्यू भर्ती नोटिफिकेशन आया है उसकी तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज़ हुआ न्यू भर्ती नोटिफिकेशन, जो कि आप देख सकते हैं जॉइन इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी का जो मोटो है वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, जो है हर कम देश के नाम, ठीक है। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो आप इधर रीड आउट कर सकते हैं कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है, तो आप इधर पढ़ सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी पास मेट्रिकुलेशन, मतलब आप लोग को 10th पास होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी इंडियन गवर्नमेंट की स्कूल से, ठीक है। एज की बात करते तो 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के अंदर अगर आपका बर्थ है, मतलब आप जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसके बाद गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपका लीव को लेकर है, 365 डेज के अंदर आपको 30 डेज का लीव दिया जाता है, ठीक है, मतलब 12 महीने में आप लोग को सिर्फ एक महीने छुट्टी दिया जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं पे एंड अलाउंस को लेकर, तो आप पहले इसको जान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 30,000 दिया जाएगा, जिसके अंदर 21,000 सेव रहेगा एंड 9,000 आप लोगों को जो अग्निवीर कर्पस फंड है उसकी तरफ दे जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में 33,000 मिलेगा आप लोग को, थर्ड ईयर में 36,500 एंड फोर्थ ईयर में 40,000 के आसपास आप लोग को मिलेगा, ठीक है। गाइस बात करते हैं आप लोग का जो फंड है वो 4 साल के बाद 5,02,000 के आसपास आता है, और अग्निवीर मतलब इंडियन नेवी की तरफ से भी 5,02,000 आप लोग को दिया जाएगा, तो टोटल मिक्स करके 10,04,000 के आसपास आप लोग को लीव टाइम के लिए दिए जाएगा, ठीक है। और गाइस, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ, और अगर आपने जानते हो कि इसका सटीक इन्फॉर्मेशन तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। गाइस, क्वेश्चन ये है कि अगर जो अग्निवीर भर्ती है उसकी तरफ जो 4 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोलते हैं कि सर 4 साल के बाद उसको किसी ना किसी जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब से, जैसे कि रेलवे हो गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अलग अलग फोर्स में उसको भेजा जाएगा। जैसे कि एक बंदा मुझे बोल रहा था कि सर इंडियन आर्मी में मैं जॉब करता हूँ, मतलब कि अग्निवीर में, और जो 4 ईयर के बाद क्या होगा उसको सीआरपीएफ में लिया जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। वो ये सच है या गलत है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोलना, ठीक है। तो गाइस चलिए हम जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ बढ़ते थे। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते तो आप पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका पी ई टी एन पी एस टी होगा, इसके बाद मेडिकल एंड इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका होता है, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल को लेकर, तो बेटर आई की बात करें तो 6x6 होना चाहिए, और साई की बात करें तो 6x9 होना चाहिए विथ ग्लास के साथ, 6x6 एंड 6x6, ठीक है। इसके बाद गाइज बात करते हैं ट्रेनिंग को लेकर, तो ट्रेनिंग आप देख सकते हैं चिल्का उड़ीसा होने वाला है, ठीक है। तो गाइज़ ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। गाइज हाउ टू अप्लाई, मैं आप किस कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो उधर दे रखा है। गाइज फोटो की बात करें तो 10 से लेकर 50 KB फ़ोटो होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में 4-5 पैरा दे रखा है, आप उधर रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज गाइज पूरा जो फुल नोटिफिकेशन है उसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं मेन टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस बात करते हैं उसका रनिंग को लेकर, तो मेल के लिए 1600 मीटर रन होता है, 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाता है। एंड स्क्वाड की बात करते हैं तो 20 स्क्वाड एंड पुशअप 20। एंड फीमेल की बात करते हैं तो 1600 मीटर का रनिंग होता है, 8 मिनट टाइम दिया जाता है, स्क्वाड 15, पुशअप नहीं होता है एंड बेंट नी सीट आप लोगों को 10 दिया जाता है, ठीक है। तो गाइज ये था इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज़ हुआ न्यू नोटिफिकेशन का फुल
जानकारी, ठीक है। तो गाइज जानकारी को कैसा लगा, अगर जानकारी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्यारा से कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।